मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश सिविल सेवा के साल 2019-20 में चयनित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि ये नियुक्ति पत्र नहीं है, विश्वास का पत्र है। आपका अंतिम पड़ाव नहीं है, आगे परीक्षा देते रहिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। अपने अंदर की ऊर्जा का सही प्रयोग करते रहें, मिलने वाली चुनौतियों से पार होना सीखें, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बने, नवाचार करते रहें। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा के चयनित परीक्षार्थियों से सीएम ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में पास होने पर सर्टिफिकेट मिलता है। शंकराचार्य प्रणाली से उज्जैन में गुरुकुल में पढ़ाई होती है, 100 में से 100 नंबर मिलने पर ही पास होते हैं। आपके जीवन की नई शुरुआत हुई है, नई दिशा में आप बढ़े हैं और समूचा मंच, मैं पूरे मंच का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। वर्षों की तपस्या आप लोगों ने की होगी, परिवार की आशा अपेक्षा आकांक्षाओं के बलबूते पर आप अपने अपने ढंग से आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इसमें आपको संतोष भी है और भविष्य की संभावना भी है और मेरी शुभकामना भी है। और ये भी सुखद संयोग है, परमात्मा की दया है कि अयोध्या में अभी अभी भगवान की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हुई। और प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसको भी कोई अलग अलग ढंग से देखेंगे, जिसको देखना होगा, जो बात समझना होगा। लेकिन हमारे लिए समझने की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन हमको दिया है उसके एक एक वाक्य को सुनोगे तो आपका ध्यान में आ जाएगा। सच्चे अर्थों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक तरह से देश के अंदर भी सुशासन की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम राज्य की तरफ बढ़ाया हुआ कदम भी हम मान सकते हैं। और ऐसे काल में भगवान राम को बहुत अलग अलग प्रकार से जाना जाता है, देखा जाता है, उनके अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंधों के आधार पर उनका अलग चित्र बनता है। लेकिन राम राज्य की हम सबको भी वो सुशासन की अगर कोई अच्छी परिभाषा पूछता है तो एक शब्द में हम बता देते हैं राम राज्य। वो राम राज्य मतलब उनका सुशासन का वो उस समय का आदर्श उदाहरण। तो ऐसे में आपको एक कार्यभार मिल रहा है, इसलिए आप भी भाग्यशाली हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप राम राज्य के उस पथिक के लंबे पाथे के पथिक बन के जाने। और ये एक तरह से नियुक्ति पत्र आपको मिल रहा है। अब ये नियुक्ति पत्र नहीं है, ये एक विश्वास का पत्र है, ये आपकी संभावना का पत्र आपको मिला है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस नाते से। इस विश्वास के पत्र के माध्यम से आप भविष्य में सबल, सक्षम, सुशासित हमारा मध्य प्रदेश बने, इसमें एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते और एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी के नाते से आप आगे जा सकते। और मैंने जैसे पहले भी कहा था बातचीत में कि ये आपका अंतिम पड़ाव भी नहीं है। इस काम को करते करते आप अपने अंदर की ललक बनाए रखें कि आप बाकी भी कोई एग्जाम दे रहा हो तो देते रहिए। शासन की कोई मंजूरी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा, उसमें कोई कंजूसी नहीं रहेगी।